नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बात करते हैं जनता से, सवाल करते हैं सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। बहुत सारी हेडलाइंस, बहुत सारी न्यूज़ आपने लगातार देखी होंगी, लेकिन हम सूत्रों के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं, सीधा लोगों से बात करेंगे, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, फैक्ट के बारे में जानना चाहेंगे लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? नमस्कार बेटा, मेरा नाम उमेद सिंह इंसा है और परिवार जो है ठीक है, समर्थ है। छोटे एक बेटा प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, एक आईपीएस लगे हुए। जी सर, सर वेल एजुकेटेड फैमिली से हो, एज ए सोशल वर्कर डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहोगे? डेरा सच्चा सौदा से बढ़ के बेटा कुछ हो ही नहीं सकता। जो मतलब परमार्थ के कार्य डेरा सच्चा सौदा ने किए हैं, यदि कोई भी इंसान यदि करके दिखा दे तो मैं ताउम्र उसके घर पर नंगे पैर रहूँगा और जो सेवा कहेगा वो सेवा करूँगा। डेरा सच्चा सौदा ने जित क्या मतलब जो अब आजकल ये तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं हमारे पिताजी के ऊपर, क्या सुखदास ये जो अपनी जो ये सुखदास समाज का दर्जा दिलाना क्या गलत है? क्या वैश्याओं को मतलब स्वतंत्रता दिलाना गलत है? क्या वैश्याओं की शादी करवाना गलत है? क्या जिसके हाथ पैर नहीं चलते, जिसकी आँखें नहीं है, उसका जो इलाज करवाना गलत है? क्या जो भूखा है उसको अन्न देना गलत है? क्या ये जगह जगह इतनी गंदगी फैलाई हुई है बेटा, आप भी फैलाते हो हम भी फैलाते हैं, क्या इस गंदगी को साफ करना गलत है? कोई किसी अपने घर की भी गंदगी तो साफ करके दिखाओ, लेकिन हमारे पिताजी ने ये आशीर्वाद दे रखे बेटा जहाँ भी जाओगे गंदगी साफ करोगे वो तुम्हारे दिल की भी गंदगी साफ होगी और जनता की भी गंदगी साफ होगी। इतने गंदी गंदी जगह पर घुसती है हमारी जनता कि शायद ही शायद हमारे प्रेमी इतनी गंदी जगह पर घुस के सफाई करते हैं कि शायद जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी नहीं करते होंगे, और आपने देखा भी होगा बेटा। सर फिर गुरुजी के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या लगता है आपको? आरोप ऐसे बेटा अपनी राजनीति चमकाने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रखे हैं। जो जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, जो लोग आजकल गुरुजी के पीछे बोलते हैं, वही हमारे यहाँ डेरा में आकर गुरुजी के नतमस्तक हुआ करते, चरण छुआ करते, और वही आज गलत बोल रहे हैं। पंचकुला की घटना आपको याद है? क्या पंचकुला में किसी भाई बहन ने किसी को गलत बोला? फिर भी इतनी धाराएं लगा के इतने भाई बहनों को जो मतलब टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी परवाह नहीं करते, हमारे पीछे हमारे गुरुजी खड़े हैं, हमारे गुरुजी जो हमें न्याय दिलाएंगे और हमें वो प्यार देंगे जो शायद ही किसी को मिला हो। गुरुजी के रियल फैक्ट्स क्या हैं, मतलब रियलिटी क्या है, गुरुजी का नेचर क्या है, किस तरह से गुरुजी ने समाज के लिए काम किया? नेचर बेटा इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता, समझे? इनको यदि प्रॉपर्टी की जरूरत होती तो इनको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी। इनके पास पहले से काफ़ी प्रॉपर्टी थी, एक मतलब समर्थ परिवार से संबंध रखते हैं, इनका घराना बहुत समर्थ है। इन्होंने ना प्रॉपर्टी की परवाह की और ना अपने परिवार की परवाह की, छोटे छोटे बच्चों को घर के ऊपर छोड़ के ये यहाँ पर आ गए थे। बाद में परम पिताजी ने इनको परमिशन दी थी कि बेटा जो बच्चों को दुखी मत करो, बच्चों जब जो इनके बच्चे यहाँ आए थे, बेटा अपने परिवार को छोड़ के जाना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन इनके दिल में एक जज्बा है कि जनता को सुधारना और जनता को सुधार के रहेंगे बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। किस तरह से जनता को सुधारा है सर आज तक इन्होंने, आप ये बताइए, किस मेरे से ये पूछिए किस तरह नहीं सुधारा, बिगाड़ा क्या ये बता दीजिए मेरे को, फिर मैं बताऊंगा कैसे सुधारा। आप मेरे से ये बताइए बिगाड़ा कहाँ है इन्होंने, कितने को लोगों के ऊपर मतलब इन्होंने जो समाज के लिए काम करने का बीड़ा उठाया, कितने को लोगों तक इन्होंने अपना जो सत्संग का प्रभाव डाला? पिताजी का एक ही मकसद है कि जन जन तक केवल और केवल स्वार्थ को छोड़ के परमार्थ की भावना जागृत हो, हर किसी गरीब की मदद की जाए, जितनी भी बुराइयां समाज की सभी दूर की जाएं, और जो इस समाज को एक समर्थ समाज बनाकर जो सतयुग में हुआ करता उस टाइप का समाज बनाने की कोशिश है पिताजी की, और वो बना के रहेंगे आज नहीं तो कल को। सर 2-2.5 साल हो गए गुरु जी समाज के अंदर नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है उनका समाज के ऊपर ना रहने से, उनका ना रहने से? हमारे दिल में तो है, जो चाहता है ना उसके दिल में तो है। ठीक है माननीय पिताजी जो बीच में नहीं है, लेकिन कौन कहता बीच में नहीं है? ये देखो यहाँ के ऊपर बैठे, देखिए आप हमारे दिल के अंदर बैठे हुए पिताजी, पिताजी को कोई हमारे दिल से दूर नहीं कर सकता। क्या समाज को जरूरत है उनकी? 101%, एक तो मतलब 100% होती है पिताजी की, 101% है, और इवन देन ये राजनीतिक लोग हैं जो भूंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको भी झुक कर आखिरकार एक दिन पिताजी के चरणों में आना पड़ेगा। कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा है केवल पिताजी के चरण वचनों पर चलते हुए अच्छे कार्य करना और परमार्थ करना और जनता को बुराई से हटाकर अच्छाई पर ले जाना है।